वेलकम टू एसएससी में अगर आज 25 फरवरी 2021 और 25 फरवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोग को बताऊंगी। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, लास्ट में मैं क्वेश्चन भी पूछूंगी जिसका आंसर आप लोग को कॉमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के साथ। सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि भाई जैसा कि आप सभी को पता है हमारी पूरी टीम ने एक स्पेशल ई बुक को लॉन्च किया है जिसमें 1500 से ज़्यादा क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है। ठीक है, इसमें अगर हम लोग बात करें साइंस की तो साइंस के इसमें 20 सेट दिए हुए हैं। जनरल अवेयरनेस की अगर हम लोग बात करें तो जनरल अवेयरनेस के भी 20 सेट हैं। जीएस वन लाइनर के सेट्स की बात करें तो जीएस वन लाइनर के 25 सेट हैं। मैथ्स और रीजनिंग की बात करें तो मैथ्स और रीजनिंग के 110 और 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट साथ में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे कोई भी एग्जाम हो आपका, एसएससी का, एनटीपीसी का जो भी एग्जाम चल रहे हैं या फिर आने वाला ग्रुप डी का एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये ई बुक होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के साथ। सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेपाल ने किसके फैसले को पलटते हुए प्रतिनिधित्व सभा को फिर से बहाल कर दिया। तो भाई इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। ठीक है, ये आप इमेज देख पा रहे हैं इनकी। अगर हम लोग बात करें नेपाल की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने 23 फरवरी को देश की संसद बहाल करने का आदेश दे दिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का फैसला पलट दिया। साथ में केपी ओली की सिफारिश पर राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने पिछले साल 20 दिसंबर को नेपाली संसद भी भंग कर दी थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए। चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की साइड। लेकिन उससे पहले आज के वीडियो के लाइक के टारगेट की अगर हम लोग बात करें तो आज के वीडियो के लाइक का टारगेट क्या कहता है, आज के वीडियो के लाइक का टारगेट है 2000 प्लस लाइक्स। आई होप ये टारगेट सभी ज्यादा से ज्यादा अचीव करने का ट्राई करेंगे। चलिए मूव करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निर्यात संगठन फीओ के नए अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किन्हें नियुक्त किया। तो भाई इसके करेक्ट आंसर की अगर हम लोग बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है ए शक्ति वेल। इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें निर्यातकों के संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि भाई उसने ए शक्ति वेल को अपना नया अध्यक्ष चुना। ठीक है, शक्ति वेल अभी कपड़ा निर्यात समर्थन परिषद के चेयरमैन है, साथ में वे मुंबई स्थित व्यवसायी एस के सराफ की जगह लेंगे। ठीक है, शक्ति वेल ऐसे समय फीओ का प्रभार ले रहे हैं जब देश का निर्यात कोविड-19 के असर से धीरे धीरे उभरने लगा। तो भाई बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है ये, इंडिया के लिए ही नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। इस वजह से कोई भी अपॉइंटमेंट होगी इस टाइम पीरियड में तो वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है बी। चलिए मूव करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, नागालैंड में केंद्र और राज्य सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु कौन से बैंक के साथ, विश्व बैंक के साथ कितने लाख डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो भाई इसका करेक्ट आंसर क्या है, 6 करोड़ 80 लाख। ठीक है, 6 करोड़ 80 लाख डॉलर इसका करेक्ट आंसर है। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें नागालैंड में केंद्र और राज्य सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कौन से बैंक के साथ, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के साथ 6 करोड़ 80 लाख डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, इस समझौते में कक्षा में शिक्षा के स्तर में सुधार होगा और शिक्षकों की क्षमता भी बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त इससे छात्र और शिक्षकों को ऑनलाइन शिक्षा के आवश्यक प्रौद्योगिकी हासिल करने में भी बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है डी। चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय सुरक्षा बलों की जरूरतों को देखते हुए कितने करोड़ रुपए के पूंजीगत अभिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है, इसका करेक्ट आंसर है 13,700 करोड़ रुपए। जी हाँ, 13,700 करोड़ रुपए इसका करेक्ट आंसर है। साथ में मैं आपको बता दूं रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में ये भी बताया गया कि भाई थल, वायु और नौसेना के लिए हथियारों और अन्य रक्षा सामानों की खरीदारी भी की जाएगी। ठीक है, रक्षा मंत्रालय ने बयान में
आगे ये भी कहा कि भाई ये सभी रक्षा अधिग्रहण प्रस्ताव को स्वदेशी तरीके से डिजाइन डेवलप और तैयार करेंगे, साथ में इनमें रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की तरफ से तैयार रक्षा सामान भी शामिल है। तो आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन है डीआरडीओ के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को है वो सारी इंफॉर्मेशन आप लिखेंगे कहाँ पर? कमेंट बॉक्स में। जल्दी से जल्दी वीडियो को पॉज करके लिख दीजिए क्या क्या लिखना है। मैं आपको बता दूँ डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है, और साथ में क्या, साथ में मैं आपको बता दूँ क्या चीज़ है, साथ में मैं आपको बता दूँ भाई ये साथ में आपको हेडक्वार्टर इस्टेब्लिशमेंट ईयर कहाँ पर है, कब हुआ था इस्टेब्लिशमेंट डीआरडीओ का, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को लिखनी है। चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की साइड। हाँ तो अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस देश ने गिद्ध के लिए विषैली दवाओं पर प्रतिबंध लगाया? तो इसके करेक्ट आंसर की अगर हम लोग बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश इसका करेक्ट आंसर बन जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें, बांग्लादेश ऐसा पहला देश बन गया जिसने दर्द निवारक क्रिटोप्रोफेन पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। मवेशियों के इलाज के लिए इस दर्द निवारक दवा का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, लेकिन यह दर्द निवारक दवा गिद्धों के लिए विषैली मानी जा रही है, ठीक है, और विश्व स्तर पर संकटग्रस्त गिद्धों की शेष आबादी को बचाने के लिए यह एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। कौन सी कंट्री के द्वारा? बांग्लादेश के द्वारा, ठीक है। बांग्लादेश की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग यहाँ पर मैप में देख पा रहे हैं कौन कौन सी नेबरिंग स्टेट हैं बांग्लादेश के बॉर्डर से जो लगते हैं, तो इसीलिए आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट बन जाती है कंट्री, क्योंकि हमारी नेबरिंग भी है और कौन कौन से स्टेट टच करते हैं ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, वैसे यहाँ पर मैप में अच्छे तरीके से आपको दिख रहा है बट फिर भी आप लोग लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की साइड। सिक्स क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो केरल सरकार ने हाल ही में पारंपरिक आंगनवाड़ियों को बेहतर सुविधाओं के साथ स्मार्ट अवसंरचना के रूप में विकसित करने के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी? तो भाई इसका करेक्ट आंसर है 9 करोड़ रुपए। जी हाँ, केरल सरकार ने हाल फिलहाल में पारंपरिक आंगनवाड़ियों को बेहतर सुविधाओं के साथ स्मार्ट अवसंरचना के रूप में विकसित करने के लिए 9 करोड़ रुपए की मंजूरी दी, ठीक है। साथ में मैं आपको बता दूं राज्य सरकार की जो योजना है इसके मुताबिक इन स्मार्ट आंगनवाड़ियों को चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा और इसका उद्देश्य बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ियों में मौजूद सुविधाओं को अधिक बाल सुलभ बनाना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 9 करोड़। केरल की लोकेशन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की साइड। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो भाई इसका करेक्ट आंसर है 24 फरवरी। 24 फरवरी इसका करेक्ट आंसर है। साथ में मैं आपको बता दूं हर साल 24 फरवरी को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा देश भर में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मतलब सेंट्रल एक्साइज डे मनाया जाता है, ठीक है, और इस दिवस को देश के प्रति केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड की सेवा में योगदान देने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस को 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम को लागू करने की स्मृति में मनाया जाता है। तो भाई इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 24 फरवरी। चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की साइड। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगले क्वेश्चन की बात करें अगर हम तो नई अल्पाइन पौधे की प्रजाति किस राज्य में खोजी गई? तो भाई इसका करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल की आप यहाँ लोकेशन देख पा रहे हैं, मैं दिखा देती हूँ अच्छे तरीके से यहाँ पर, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, 3 संस्थानों के वैज्ञानिकों के एक समूह ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में, कौन से जिले में? तवांग जिले में, ठीक है, अल्पाइन पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की। विवरण जैव विविधता में प्रकाशित हुए थे, ठीक है, कौन से में? जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें पौधे की, तो जो ये पौधे की नई प्रजाति है, ये जो प्रजाति है हिमालयन सूरजमुखी के परिवार से रिलेटेड है, ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं पौधे की यह प्रजाति आमतौर पर जुलाई से अगस्त तक फूल देती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? अरुणाचल प्रदेश। चलिए कल के वीडियो को वन लाइनर के फॉर्म में कवर करने की ट्राई करते हैं। अगर हम लोग बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट की,
फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, सचिन तेंदुलकर स्पोर्ट प्लेयर है, क्रिकेटर है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें सचिन तेंदुलकर जी ने ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनी कौन सी अन अकेडमी में बहुस्तरीय साझेदारी के तहत रणनीतिक निवेश किया, ठीक है। विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है, 22 फरवरी को मनाया जाता है। भारत और इथोपिया ने 11 फरवरी को वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के संबंध में 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। सऊदी अरब ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दी। पुदुचेरी ने अपना बहुमत साबित ना करने के कारण कांग्रेस समर्थित सरकार गिर गई, तो भाई वहां पर सरकार गिर गई सबको पता ही होगा। चलिए वन लाइनर के फॉर्म में हमने कल के वीडियो को अच्छे तरीके से डिस्कस किया। अगर हम लोग बात करें कल के प्रश्न की, तो कल का प्रश्न था आप लोगों के लिए विश्व पेंगोलिन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, फरवरी के तीसरे शनिवार। बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर लिखा था, मैं उन सभी का थैंक्स करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज भी सभी बच्चे करेक्ट आंसर लिखेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें आज के क्वेश्चन की, तो आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए निम्न में से किसे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए लगातार 5वीं बार नियुक्त किया गया। तो भाई ये 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। और हाँ, वीडियो के लाइक का टारगेट अचीव करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो के लाइक के टारगेट की अगर हम लोग बात करें, तो वीडियो के लाइक का टारगेट है 2000 प्लस लाइक्स। आई होप ये टारगेट सभी ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों ने अब तक वीडियो को शेयर नहीं किया, तो अपने सभी दोस्तों में जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करें, जिससे सभी बच्चे वीडियो का लाभ उठा पाएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बगल में बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, जिससे सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पर मिलते जाएं। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड टेक केयर।